ये कुरियर आया अभी अमेज़ोन से, अब पता नहीं दिया ने मंगवाया है, दिया ने तो इसका वो मंगवाया था क्या बोलते हैं फूड, इसका डॉग फूड मंगवाया था, पर वो ऐसी पैकिंग में तो नहीं आता। चलिए खोल के देखती हूँ क्या क्या आया इसके अंदर। मैंने हेयर ड्रायर भी मंगवाया था पर पेमेंट नहीं की थी, उसने पेमेंट तो मांगी नहीं मेरे से। चलिए मैं एक बार थोड़ा सेटल करती हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब पहले लड्डू कौन से थे ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं रैंडमली चार लड्डू बड़ों के नाम के और भगवान जी के निकाल के रख रही हूँ मंदिर में। चलिए ओम साई राम। ये फिर शाम को मैं क्या करती हूँ कि इन्हीं लड्डुओं में मिक्स कर दूँगी, अगर कोई बड़ा आ गया तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को दिया को खिला दूँगी, सभी तो खाता नहीं है। विजय आ गया था तो ये जो परफ्यूम स्प्रे था वो मैंने टंगवा दिया है, और ये हुक लग गए हैं दोनों फ़ोटोज़ के बीच में और साइड में। एक डिफ्यूज़र वहाँ लगवाया है, ये रहा एक डिफ्यूज़र यहाँ लगवा दिया, और एक अंदर कमरे में भी लगवाया अपने कमरे में, और ये लड्डू मैंने भर दिए देखो सी। सारा ऑल टोटल जो कैलकुलेशन बैठता है ना ये जाके आ जाता है 5 किलो के आसपास, तो ये 6 किलो का डब्बा है, 5 किलो के आसपास हो गया, और मैंने अभी तक ना ये पार्सल नहीं खोला। मेरे ख्याल से ये लूना का फूड है, मेरे पास जो मैसेज आया ना लूना का फूड है, इतने बड़े बॉक्स में, और ये देखो बिना मतलब के कागज में देखो, कोई देख रहा होगा ना, कोई देख रहा होगा ना तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या मंगवाया इन्होंने, और रे बाप इतना बड़ा, और निकला क्या 2 किलो का पैकेट। चलिए वो भी दिखाती हूँ, ये इधर लगवा दिया ये वाला। चलो ये 2 कुरियर और आ गए हैं अभी, मैं तो लेट ही नहीं सकती, मेरे नसीब में लेटना है ही नहीं लगता है। और ये क्या है मुझे आपसे ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन है। एक बार मैं खोल लूँ फिर बता। कल दिया ने पेटीएम से कोई पेमेंट की थी डॉक्टर के यहाँ जब गई थी तब परसों, तो कल उसने ना अपने सारे रिवॉर्ड्स चेक किए गूगल पे के और पेटीएम के, तो उसके अंदर ना पेटीएम में एक ऑफ़र आ रखा था माई ग्लैम की, 2 लिपस्टिक थी 1 रुपये में, 1 रुपये की 2 लिपस्टिक, और साथ में आपको फ्री डिलीवरी के लिए कुछ और ऐड करते हो तो बस उसके पैसे। तो दिया ने मेरा भी पेटीएम चेक किया तो मेरे पेटीएम में भी सेम ऑफ़र आ रखा था, तो ये 2 लिपस्टिक माई ग्लैम की, एक इसने ये साथ में कुछ एडिशनल मंगवाया है अभी मैं चेक करूँगी, और सेम ये 2 लिपस्टिक और एक एडिशनल मेरे उसमें से भी मंगवाया है, तो मैं खोल के चेक कर रही हूँ कि क्या है और कैसा है। बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, और चारों डिफरेंट शेड हमने मंगवा लिए, दिया ने दोनों में चेक कर लिया शेड कार्ड में, सेम ही शेड कार्ड थे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट 4 शेड मंगवाए हैं, जिसमें से 2 जो मेरे वाले में निकले हैं वो तो बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, और ये एक लिपस्टिक इसने ऐड की है मैट में, मरून शेड लग रहा है मुझे अभी तो देखने में, लाइट वाइट में देखूँगी, तो एक ये लिपस्टिक है, 4 ये लिपस्टिक हैं, और एक ये ब्लू लाइनर मंगवाया इसने। तो प्लीज़ अपने अपने पेटीएम को चेक कीजिए, मे बी आपके पास भी कोई ऐसा ऑफ़र आ रखा हो जिसमें आपका कोई बेनिफिट हो जाए, तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिए। मैं नहीं करती, कभी नहीं करती मैं चेक, पर आजकल के बच्चों को ना हर चीज़ की नॉलेज होती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, हम लोग ना कई बार बच्चे थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें करते हैं ना तो हम लोग थोड़े से वो हो जाते हैं कॉन्शियस कि बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, पर क्या है ना कि आजकल के बच्चे, जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने थोड़े एडवांस थे तो हमें लगता था हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, तो सेम चीज़ अब आज के बच्चों में है। तो अगर आप कभी भी बच्चों को कुछ बोलने जाएँ या कुछ कहने जाएँ ना, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा वो टाइम जब हम बच्चे थे और हम भी अपने पेरेंट्स को ऐसे बोलते थे कि यार आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, आपको नहीं पता स्टडीज़ कितनी एडवांस हो चुकी हैं, नॉलेज कितनी ज़्यादा हो चुकी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो घुमाने वाले फ़ोन होते थे ऐसे डायलर वाले, हमारे टाइम में आके कॉर्डलेस आ गए थे और बटन वाले फ़ोन आ गए थे, और मेरे बच्चों के आने से पहले तो मोबाइल भी आ ही चुका था, मोटरोला के काफ़ी फ़ोन आ चुके थे, एक हमारे पास भी था नोकिया मोटरोला के, बहुत फ़ोन आ चुके थे। अब जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो आ गया है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में भी इतना एडवांस होते 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 आईफोन ने तो
बीट कर दिया हर चीज़ को, सब कुछ ही फ़ोन के अंदर हो गया आज की डेट में। इवन मैंने सुना है कई कंट्रीज़ में तो पढ़ाई भी जो है किताबों से नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर से और फ़ोन से होती है। टैब, कंप्यूटर और फ़ोन ये सब कंपलसरी होता है स्कूल के अंदर, वहाँ पे बच्चों को बैग वैग उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होपफुली हमारी भी कोई जनरेशन, शायद हमारे बच्चों के बच्चे या उनके बच्चे आने वाले टाइम में ये वाली स्टेज देखें और वो अपने पेरेंट्स को कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता। ये तो सर्कल है, चलता रहेगा चलता रहेगा। चलिए आज मैंने आपसे दो तीन चीज़ें शेयर की हैं जो कि बेनिफिशरी हैं, अगर आपके काम आ सकती हैं तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा उनको। चलिए मैं जा रही थी लेटने, अब पता 5 बज गया, मैं सिर्फ 4 मिनट बचे हैं 5 बजने में। अब मैं अंदर जाऊंगी ना उधर से बेल बज जाएगी, सैमी आ जाएगा। ये होता है मेरा हाल, अंदर बाहर अंदर बाहर। लोग बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरी कपड़ी छूट रही है, देखो गाल देखो कैसे लाल हो रहे हैं मेरे, ये ठंड की वजह से हो रहे हैं। मैं आई हूँ चाय बनाने, तो पहले तो मैं सबसे पहले खिड़की बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। कुछ करने को मन नहीं कर रहा। मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, इस एक हुडी के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, आज तो इसके अंदर भी ठंड लग रही है। चिल्ड हो रखी बॉटल्स, चलिए जितनी देर इसमें बॉयल आ रहा है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप लोगों में से किसी ने शायद मेरे शॉर्ट्स पे या वीडियोस पे एक कमेंट देखा होगा, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो क्यों बुराई करते हो, आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो हमारे जैसे लोगों को बुरा बोल के। हमारा तो काम है, देखो हमने इसे काम बना रखा है, हमारा तो काम है। आप बुरा भी बोलोगे, आज आप एक बोल रहे हो कल 10 और आएंगे, सब बुरा बोलेंगे, तो हम तो अपना काम करते जाएंगे। मतलब आप बुरा बोलने के लिए भी हमें देख रहे हो, क्या बड़ी बात है ना, उतनी भी आप हमें वैल्यू दे रहे हो। मत दो ना, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, कुछ आगे की सोच रखो, ठीक है। बस इसी के साथ मैं आप सबसे भी गुड बाय कहना चाहूँगी। थोड़ा सा दिल टूटा है मेरा कि मैं श्रूपनखा हूँ तो मैं अपने घर में हूँ, मैं आपके घर नहीं आ रही हूँ। वीडियो में आपके पास ऑप्शन है स्क्रॉल करने का, आप मुझे नहीं देखना चाहते हो आगे कर दो। मेरे हस्बैंड को आप गधा बोल रहे हो, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि देखिए अपने अपने संस्कार होते हैं, अपना अपना नेचर होता है। किसी को बुरा बोल के अच्छा लगता है और किसी को बुरे में से भी कुछ अच्छा निकालने में अच्छा लगता है, तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ आपसे और आप बिल्कुल डिफरेंट हैं मुझसे, तो परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ थोड़ा सा सॉफ्टनेस दे, ताकि आप किसी की तारीफ ना कर सके तो एटलीस्ट चुप रहें, बोलें ना। चलिए इसके साथ ही मेरी चाय उबल चुकी है, तो चाय में डाला जाएगा दूध। अरे अरे बाप, इसमें तो थोड़ा सा, तो मैं अब इसके साथ ही आपसे गुड बाय शुड बाय भी कर लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं इसके बाद कुछ ब्लॉग करना पसंद करूँगी। अभी कल मिलेंगे अच्छे मूड के साथ, अच्छी फ्रेश बातें करेंगे, है ना, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ या बोल लूँ कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप समझ सकते हैं दुख तो होता है यार, तकलीफ़ तो होती ही है। वो जो भी इंसान रहता है जो बुरा कहता है और कह के निकल जाता है, नहीं मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो रिमूव हाइड कुछ भी कर सकती हूँ उस कमेंट का, बट क्या है ना, आपके पास 10,000 कमेंट्स आते हैं उसमें से कोई 2-4 लोग ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-15, 100-200 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपके पास आते ही टोटल 5-10 कमेंट हैं जिसमें से एक बंदा ऐसा निकल है, तो वो हर्ट करती है चीज़ कि यार मैंने तो नहीं इन्वाइट किया आपको, आप नहीं देखना चाहते, आपने मेरा प्रोफाइल ओपन किया आपको नहीं पसंद आया, अब आगे बढ़ जाओ यार, बुरा बोल के आपको क्या मिल रहा है। अगर आपके खजाने भर रहे हैं, आपकी बरकत हो रही है उस चीज़ से, तो मेरे को समझ भी आता है। एक दिल के सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे को इतना गंदा फील करा के क्या मिल रहा है आपको। चलो यार, मैं कह रही हूँ ना, अभी वो दिमाग में हिट कर गई है मेरे चीज़ की, कौन इंसान है जो फिर मैं उसी के आगे नहीं, मुझे नहीं इंपॉर्टेंस देनी उस चीज़ को। मेरे लिए आप लोग बहुत हैं जो लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दिल दुखा है मेरा आज, श्रूपनखा होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मैं ऐसी हूँ, पहले मैं कैसी थी आपको नहीं पता, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से या किसी कारण से मेरी आज शक्ल ऐसी हो गई। आप बहुत सुंदर होंगे, आप बहुत अप्सराओं जैसे होंगे या बहुत सुंदर इंसान होंगे,
इंसान तो नहीं है, आपकी शक्ल सुंदर हो सकती है पर इंसान आप सुंदर नहीं हो सकते, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपकी बातें पढ़ने के बाद। चलो यार इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, आपसे बात करती हूँ तो कल फिर मिलते हैं अच्छे मूड, स्पेशली अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अंगूठा भी सीधा नहीं हो रहा ठंड के मारे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, हमारी भी गुड मॉर्निंग हो गई है। ये धाम धड़ूम सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है ये देखो यहाँ पे बज रहा है इस दीवार पे, क्या करें झेलना तो पड़ेगा, पड़ोसी हैं। तो अभी उठ गई थी मैं और काफ़ी फ्रेश उठी हूँ और टचवुड ये जो और टचवुड अभी 2-3 दिन से मैं रेगुलर दवाई ले रही हूँ, जो उसकी वजह से एक उठने के बाद जो वो लेज़ीनेस रहती थी या वीकनेस फील होती थी ना, फ़िलहाल वो नहीं हो रही है। वैसे चलते फिरते किसी टाइम हो जाता है कि थोड़ी वीकनेस लगने लग जाती है, बट ऐसे उठते ही जो मेरे को एक आलस और एक वीकनेस रहती है ना, वो बिल्कुल नहीं है अभी। टचवुड पता नहीं किस कारण से, हो सकता है दवाइयों की वजह से, क्योंकि आयरन कैल्शियम सारी चीज़ अच्छे से अब अंदर ले रही हूँ मैं, अभी प्रॉपरली खा रही हूँ दवाई मैं, और तबीयत में बहुत 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 सुधार है, और एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी सुधार, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती थी कई बार मेरी ना, 15-15, 20-20 दिन तक मैं बहुत बहुत ख़राब हालत में होती थी, बट अभी मैं ओके हूँ, थैंक्स टू दिया और थैंक्स टू द डॉक्टर कि उन लोगों ने अच्छे से समझा मेरी सिचुएशन को और उसका ट्रीटमेंट किया। और दूसरी चीज़, कल जो शाम को मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, अभी मैं फ़ाइन हूँ, मैंने आपको बोला ही था कि थोड़ा टाइम लगता है कड़वी दवाई को डाइजेस्ट करने में, ये कड़वी दवाई ही समझती हूँ मैं इन लोगों को, जो खुद मतलब पता नहीं कैसे होते हैं बट दूसरों में कमियां निकालने में उनको एक सेकंड नहीं लगता और डीमोटिवेट करते हैं लोगों को। अप्रिशिएट तो ये लोग कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हम, तो अगर किसी का जनरली भी हंसता हुआ चेहरा देख लेते हैं ना, तो चाहे कितनी ही कमियां उस चेहरे में, उसके बावजूद भी वो स्माइल की तारीफ़ करते हैं कि चलो एटलीस्ट कोई तो हंस रहा है, कोई तो खुश है। बट ये लोग पता नहीं लाइफ में क्या चाहते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये जो मेरा छोटू बच्चा है, ये सुबह 6:30-7 बजे उठ जाता है, उठ के थोड़ी देर मस्ती मुस्ती करके उसके बाद फिर आके, जब मैं इसको एंटरटेन नहीं करती ना, मैं इसको इग्नोर करती हूँ कि नहीं मैं सो रही हूँ, तो ये चुपचाप से आके मेरे बगल में सो जाती है, यहाँ पीछे मैं ऐसे करवट लेती हूँ और मेरे पीछे बगल में ऐसे पीठ से पीठ लगा के सो जाती है। तो अब मैं इसको समझना शुरू हो गई हूँ कि ये क्या चाहती है, अगर मैं इसको एंटरटेन कर देती हूँ फिर तो ये उठ के कहती है चल बाहर और खेल मेरे साथ और मेरे को अपने ड्रामे करने, फिर वहाँ जाके कोको को परेशान करेगी, आलू गाजर गोभी मटर सब पड़ा घर में। तो अभी आज का क्या प्लान है, और कल मेरे साथ क्या हुआ, अरे बाप रे मैं बताना भूल गया आपको, कल कितनी मेहनत से मैंने कटहल की सब्जी बनाई और रात को मैं भूल ही गई, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं है कि मैंने कटहल की सब्जी बनाई है, जबकि दोनों को पसंद है, पापा को भी और बेटी को भी, और रात को मैं सोते वक्त मैसेज कर रही हूँ उनको दोनों को, अरे यार मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी गैस पे पड़ी है और मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, 1% भी दिमाग में नहीं मेरे कि मैंने सब्जी तो बना रखी है, सिर्फ सैमी और मेरे लिए ही तो बनानी थी मुझे, मेरी याददाश्त इतनी बुरी याददाश्त, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि पूरा दिन मुझे याद ही नहीं रहा कि यार मैंने कटहल की सब्जी बना के रखी हुई है। फिर मैंने रात को जब मैसेज किया तो दिया का अभी सुबह मैसेज आया हुआ है कि चलो कोई बात नहीं आप आज खिला देना वो सब्जी, और इन्होंने भी सुबह चाय बनाई है, इन्होंने भी नहीं देखा, नहीं तो इनको इतनी पसंद है ये लेके जाते ज़रूर, और मुझे लग रहा है शायद विनीता आज भी इनकी चपाती बना के नहीं गई, आई नहीं है मेरे ख्याल से अभी, तो मैंने इनको कल बोला भी था कि आप मुझे उठा दिया करो, तो वही उनका वो होता है कि रात को तू इसके साथ वैसे ही परेशान हो रही होती है, मेरी 2 रोटी के लिए क्या तेरी नींद ख़राब करूँ, यार रोटी 2 या 4 हो पर घर की रोटी तो घर की रोटी होती है, और स्पेशली तब जब सब्जी ऑलरेडी बनी हुई है, तो रात को जो ढाबे से दाल मंगवाई थी कल, एक्चुअली रात को खाना मैंने बोल रही हूँ ना मैं भूल ही गई कटहल बना रखे, मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैं उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी जो वो है ना आवाज़ भी जो है ना लड़खड़ा के निकल रही है, इतनी ठंड लग रही है, तो इन्होंने बोला कि तू रजाई में बैठ, तू मत उठियो, मैं खाना बाहर से लेके आ रहा हूँ, तो ये आलू के पराठे और दाल मखनी लेके आए थे बच्चों के लिए वहीं ढाबे से जहाँ से हम लाते हैं। तो दिया खा के चली गई थी और लेके सिर्फ लड्डू गई थी वो, और गोंद के लड्डू, और
समृद्ध ने दाल और पराठे खा लिए थे, क्योंकि अगर मैं खाली दाल मंगाती ना तो ये लोग कहते चावल बनाओ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था पानी में हाथ डालने का और कुछ भी करने का। अभी भी मैं चाय रख के आई हूँ, वॉशरूम गई थी फिर मैं चाय रख के अंदर आ गई, ये मैं उठूँगी जब चाय डालने के लिए तब मैं ब्रश करके आऊँगी। और ये जो गंदा सा मौसम हो रखा है ना, इसमें हल्का हल्का कोल्ड भी हो गया है। चलिए मैं चाय वाय पी लेती हूँ, उतनी देर में सैमी उठ जाएगा। और आज तो सैमी का फंक्शन है, तो कल सैमी ड्रेस ले आया था, कोट पैंट ले आया था, शूज़ लेके आया था सुंदर से, तो अभी उठेगा तैयार होगा ना, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कैसा लगेगा। फर्स्ट टाइम कोट पैंट पहनेगा, बचपन में तो पहना हुआ है, अब बड़े होके फर्स्ट टाइम पहनेगा। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसा लगेगा बड़ा बड़ा सा। चलिए मैं इसको थोड़ा साइड करूँ क्योंकि ये सो नहीं रही है, देखो मस्ती मार रही है। कौन है ये जी, कौन बच्चा है, कौन बच्चा है? चलिए मैं चाय भी लेती हूँ, पहले ब्रश करती हूँ फिर चाय पी। तो सुबह सुबह मज़े आ गए हैं, सबका नाश्ता निपट गया है, इवन दोनों छोटे बच्चों ने भी खा लिया, बस कोको को दूध डालना रह गया। दूध अभी मैं ग्लास में डाल के तवे पे रख दूँगी, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा फिर देती हूँ उसको। और दिया ने भी कर लिया, आते ही खाना खा लिया, कटहल की सब्ज़ी खा ली, और क्या कहते हैं समृद्ध ने भी खा लिया, और अब समृद्ध तैयार हो रहा है। कहाँ गया सैमी? सैमी तुम दोनों लगे रहो,